सचिन कुमार और स्वागत करता हूँ अपने चैनल सचिन टेक्नो हब में। आज हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे आपके करियर ग्रोथ के ऊपर। जो भी टेक्निकल फील्ड में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं उन भाइयों के ग्रोथ के ऊपर आज हम बात करेंगे और आपको बस तीन चीज़ें बताएंगे जो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा क्योंकि आज हमने CNC का 30 वीडियो बनाया जो कि जिसके अंदर आपका थ्योरी और प्रोग्रामिंग दोनों ही कवर हो चुके हैं। तो हमें लगा कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो कि आपको पढ़ने के बाद जो भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको वहाँ भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो इंटरव्यू देने के लिए आपको तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए जो आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस वाले हैं। दोनों के लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो फ्रेशर हैं वो कॉलेज पास आउट होने के बाद एक्सपीरियंस के कारण या फिर किसी और चीज़ के सोच के कारण वो कहीं भी एज ऑपरेटर लग जाते हैं, जो बहुत गलत है। आप बीटेक की हो, आप इंजीनियर हो ना कि ऑपरेटर हो, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एज अ फ्रेशर इंजीनियर को हायर करती है ना कि ऑपरेटर को, ठीक है। तो आपको ऑपरेटर बनने की ज़रूरत नहीं है, आप इंजीनियर बने, स्टार्टिंग में GET बने, ट्रेनिंग करें, उसके बाद आपको एक दो साल के बाद ऑटोमेटिक आपका डेजिग्नेशन चेंज होकर इंजीनियर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अगर आपका प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं हुआ है तो आप तीन साइट के थ्रू आप अपना करियर अपना सकते हैं और उसके बाद आपको 6 महीने के अंदर अंदर ऑफर लेटर आएंगे, कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए, आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ वो करना क्या है आपको। जो हमारा तीन साइट है, एक तो हमारा naukri.com है, दूसरा हमारा LinkedIn है, तीसरा हमारा जो कंपनी का वेबसाइट होता है उस पर जाके अपना रिज्यूमे अपलोड कीजिए। और वेबसाइट पे तो आपका नंबर वेरीफाई नहीं होगा और ईमेल आईडी, बट आप naukri.com पे और LinkedIn पे अपना नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर दें ताकि जब भी कहीं ओपनिंग होगी तो आपको मेल के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा और डायरेक्ट कॉल भी आता है वहाँ से, ठीक है। और ये कॉल आने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक्सेल शीट बनाएंगे अपने कंप्यूटर पर, उस पर उस प्लेसमेंट वाले का नाम और प्लेसमेंट का नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर और इस किस कंपनी के लिए वो कॉल किया है उस कंपनी का नाम वो सेव कर लेना है। और जिस तरह बार बार आपको कॉल आते रहेगा आपको हर नंबर सेव करना है ताकि आने वाले 2-3 साल के बाद जब भी आप कंपनी स्विच करेंगे तो आपको ये ही नंबर काम आएगा कि आप बैठ के सबको कॉल करके पूछ सकते हैं कि अभी कोई ओपनिंग चल रही है तो हमें प्लीज़ आप इन्वाइट करें और कहीं भी अच्छे कंपनी में आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। हमने भी लिस्ट बना के रखा है, मेरे पास 250 का भी लिस्ट है जो भी naukri.com और LinkedIn के थ्रू हमारे पास कॉल आया था, मैंने सारों का डाटा बना के रखा है। मुझे लगता है कि अगर मुझे यहाँ पे सैलरी 40-50 मिल रही है, मुझे 60-70 पे जाना है तो मैं ट्राई करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो उसके लिए मैं naukri.com पे फिर से नहीं जाता, LinkedIn पे नहीं जाता क्योंकि उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है। आप उस पर आज अपडेट करोगे तो हो सकता है 2 महीने 3 महीने 1 महीने के बाद या फिर 1 हफ्ते के बाद भी कॉल आ सकता है, बट जो नंबर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है उसके हेल्प से हम जब भी कहीं ओपनिंग चलेगी तो डायरेक्ट कॉल करके वो हमें वहाँ पर भेज सकता है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो ये आपके फ़ायदे की बात है, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, स्टार्टिंग में भी फ़ायदा होगा और बाद में भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप एज इंजीनियर कहीं भी लगे, ऐसे क्या होगा कि कहीं भी आप ऑपरेटर बनते हैं तो आपको वो आदत बन जाएगी, आप 1-1.5 साल तक मशीन चलाओगे, उसके बाद कहीं कुछ नहीं होता है तो आप डिमोबलाइज हो जाओगे, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए, कहीं नहीं होता तो वो लास्ट ऑप्शन है कि आप कहीं भी लग गए, पहले ऑपरेटर पे वहाँ बहुत मेहनत की है, कोई इंजीनियर आपके ऊपर फोकस किया, वो देखा कि आप मेहनती हो तो आपको आगे बढ़ा दिया, एज ए इंजीनियर बना दिया, ठीक है। बट ये 10% लोगों के साथ होता है, जो 90% लोग होते हैं वो मशीन ही चलाते रहते हैं एज ए ऑपरेटर और 2-3 साल अपने ख़राब कर देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको 6 महीने कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं तो आप 6 महीने ट्राई कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए, आपसे इसी फील्ड से रिलेटेड सवाल जवाब किया जाएगा क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हर जगह आपको CNC BMC HMC और आपको क्वालिटी से रिलेटेड ही क्वेश्चन अराइज किया जाएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेशर वालों के लिए, जो फ्रेशर वाले हैं 2-3 साल से एक ही कंपनी में अभी काम कर रहे हैं और उसका सैलरी अगर अच्छा है तो उसको लगता है कि मैं यहाँ पे सेटिस्फाई हूँ, तो आप वहीं पे जॉब करें और कुछ सीखें, कुछ नया इंप्लीमेंट करें, और आपको लगता है कि मेरी सैलरी कम है और यहाँ पे मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे कोई प्रमोट नहीं कर रहा है, तो आपको अपनी कंपनी चेंज करनी चाहिए और आपको अच्छे हाइक पे जॉब लेना चाहिए क्योंकि उसी हाइक के थ्रू आपको और आगे जब भी आप मान लीजिए अपना कुछ ड्रीम देखे होंगे, मुझे आगे जाके 5-10 साल के बाद मैनेजर बनना है या फिर AM बनना है, सीनियर इंजीनियर बनना है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, आपका डेजिग्नेशन अच्छा होना चाहिए,
ताकि आपको सही समय पे अच्छे अच्छे पोस्ट मिलते जाएं और अपने ग्रोथ की ओर आगे आप बढ़ते जाएं, ठीक है। तो आप दोनों के लिए ये मेरा सजेशन था और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना एक्सेल पे शीट बनाएं और जितने भी प्लेसमेंट वाले का कॉन्टैक्ट नंबर आता है, आपके पास कॉल आता है, तो आप सारे नंबर को सेव करें उसका नाम के साथ और जो प्लेसमेंट वाले कॉल किया उसका नाम। और बहुत सारे कॉल फर्जी भी आते हैं जो हमेशा पैसे का डिमांड करेगा, वहाँ पर अगर आप पैसे सबमिट करते हैं तो वो पैसे वेस्ट होंगे, आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। तो आप naukri.com के थ्रू जो भी कॉल आता है उसे कंपनी अपने तरफ से पैसे पे करती है, आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है और वो अच्छे जगह आपको भेजेगी, आपका सिलेक्शन भी होगा और आपका करियर ग्रोथ भी हाई होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके करियर ग्रोथ के लिए अच्छा होगा ये वीडियो, तो आप ध्यान से इस पर काम कीजिएगा और नए नए कैजन करते रहिए, नया चीज़ सीखते रहिए और जब भी आप नए कंपनी स्विच करें तो वहाँ पर इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो और टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।